आपके अपने YouTube चैनल रॉक साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। आपका दोस्तों कक्षा 11वीं का लेखा कर्म या लेखा शास या अकाउंटेंसी का आपका 12 अप्रैल को कक्षा 11वीं का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। ओके, लगातार आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे, सर हम लोगों का भी क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, जिस प्रकार से आप अन्य सब्जेक्टों का बता रहे हैं। आप लोगों के प्रेम और सपोर्ट के कारण वीडियो आ रही है, इसलिए अपना प्रेम और सपोर्ट लगातार बनाए रहे, तो मैं आपको क्रम से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ओके, तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम क्या है दो अंकीय अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। 12 तारीख का पेपर है आपका, तैयारी करा दूंगा, कोई क्वेश्चन बताऊँ अच्छे से आपको तैयार करना है। ओके, तो आज के इस वीडियो में आपको क्या दो अंकीय प्रश्न बताने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में 3 अंकीय 4 अंकीय वस्तुनिष्ठ कहेंगे तो वस्तुनिष्ठ भी आपको बता दूंगा। ओके, तो दो अंकीय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। तो ब्लू प्रिंट के हिसाब से अपन देखेंगे जिन जिन चैप्टर से आपका दो दो नंबर का आना है उन उन चैप्टर में पहुंचेंगे, दो नंबर का मैं आपको क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड आपको बता दूंगा विद सॉल्यूशन के साथ दिखाऊंगा। ओके, इसलिए क्या है वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, केवल आपका क्या सभी अध्याय से आपका दो नंबर क्वेश्चन आना है, केवल आपका वित्तीय विवरण फर्स्ट से आपका क्या है दो नंबर क्वेश्चन नहीं आना, बाकी आपका सभी से आना है। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका अध्याय एक आ जाता है लेखांकन एक परिचय, इसे दो नंबर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों आपको सबसे पहले तैयार करना है लेखांकन की परिभाषा दीजिए। अब देखिए लेखांकन पढ़ रहे हैं आप, ओके, लेखांकन वाला चैप्टर, तो आपको उसकी परिभाषा तो आपसे बननी चाहिए, नॉर्मल बात है। तो लेखांकन की परिभाषा दीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर आ चुका है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है लेखांकन की कोई दो शाखाएं समझाइए। ओके, ये आपका दिया है, तो दो शाखा कौन सी है, एक वित्तीय शाखा, दूसरी हो जाएगी आपकी लागत शाखा। ओके, स्क्रीनशॉट आप इसका फास्ट लीजिए, PDF मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है पूंजी से क्या आशा है, पढ़ लीजिएगा। ओके, तो पूंजी आपकी तीन प्रकार की वर्गीकरण किया गया है, स्थायी पूंजी, चल पूंजी और कार्य पूंजी, आपकी कार्यशील पूंजी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट दोस्तों आपका है व्यवसायिक बट्टा क्या है, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद आपको व्यवसाय क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, नॉर्मल एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अध्याय दो आ जाता है लेखांकन के आपके लेखांकन के सैद्धांतिक आधार, उसे इससे भी देख लेते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले तैयार करना है दोहरा लेखा प्रणाली को परिभाषित कीजिए। ओके, मतलब दोहरा लेखा जो प्रणाली है वो क्या है वो आपको परिभाषित करना है। तो इसमें आपको क्या है, ये आपकी परिभाषा दी हुई है, फास्टी देख लीजिए, कार्टल के अनुसार परिभाषा दी हुई है, स्क्रीनशॉट आप इसका फास्टी ले लीजिए। फिर आपको क्या है डब्ल्यू पीकल्स के अनुसार परिभाषा दी है, इसका भी आप देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है लेखांकन सिद्धांत की विशेषताएं लिखिए, तो ये आपके दिए हैं लेखांकन सिद्धांत की विशेषताएं, तो इनका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपका ये पूरा दिया हुआ। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है लेखांकन अवधि की मान्यता क्या है, इसे भी आप फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हुआ हो जाता है। आगे आपका इकाई 3 आ जाती है, अध्याय 3 लेन देनों का अभिलेख फर्स्ट। ओके, इससे भी देख लेते हैं, तो इसमें आपको सबसे पहले तैयार करना है मूल प्रलेख से क्या आशा है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है नाम पत्रक या डेबिट नोट किसे कहते हैं और जमा पत्रक क्रेडिट नोट किसे कहते हैं, दोनों को तैयार कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, तो ये आपका हो जाता है कंप्लीट। ओके, इसके आगे आपका ये दिया है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है रोकड़ प्रमाणक क्या है अर्थ बताना है आपको, तो ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका खतौनी का अर्थ लिखिए, खतौनी का अर्थ आपको बताना है, ये आपका दिया है, इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट अध्याय आ जाता है अध्याय 4 लेन देनों का अभिलेखन सेकंड। ओके, इस अध्याय से भी देख लेते हैं, उसमें आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है विपरीत प्रविष्टि का क्या उद्देश्य है। ओके, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसके बाद दोस्तों आपको अथवा पूछा जा रहा है। ओके, मतलब नेक्स्ट है आपका खुदरा रोकड़ वही क्या है। ओके, ये आपका दिया हुआ, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपको नेक्स्ट तैयार करना है रोज नामचे की प्रविष्टियों की खतौनी से आप क्या समझते हैं, ये आपको पूछा गया रहा है, तो इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, इसे भी आपको तैयार कर लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है क्रय रोजनामचा क्या है या क्या आशय है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपको लास्ट तैयार करना है रोकड़ वही के संतुलन से क्या आशय है, यह भी आपका दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, 3-4 पॉइंट दिए हैं, केवल आपको दो तैयार करना है क्योंकि अभी दो नंबर के क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्रय वापसी रोज नामचे से क्या आशा है, ये आपको तैयार कर लेना है। चलिए आगे नेक्स्ट अध्याय देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको दूसरा अध्याय आ जाता है अध्याय 5 बैंक समाधान विवरण। ओके, तो इसमें आपको तैयार कर लेना है बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा बनाया जाता है। ओके, इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट इसमें आपको तैयार कर लेना है, इसका आगे सॉल्यूशन ये है, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है बैंक समाधान विवरण क्यों बनाया जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट तैयार करना है बैंक समाधान विवरण कब बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, कब बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है, ये तीनों क्वेश्चन आपको तैयार करना है, कोई भी आपके सेट में आ सकता है। ओके, फास्ट इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको तैयार करना है पासबुक के
अधिविकर्षण से क्या आशा है, इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, फास्ट सॉल्व ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है, बैंक समाधान विवरण बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपका पूछा गया रहा है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं, ये आपका 3 दिए हुए हैं, फर्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट अध्याय आ जाता है आपका 21 अध्याय 6 तलपट एवं अशुद्धियों का संशोधन। ओके, इससे देख लेते हैं आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका इंपॉर्टेंट है तलपट कब बनाया जाता है, ओके, तलपट कब बनाया जाता है ये आपका दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है उन खातों के नाम लिखिए जिनका शेष सदाने या डेबिट कर रहता है, तो इसका सॉल्यूशन ये दिया है, फास्ट निशोर ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है एक पक्षीय अशुद्धि किसे कहते हैं, द्वि पक्षीय शुद्धि कैसे कहते हैं, ओके, दोनों इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपका आ सकता है, तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार करना है तलपट का अर्थ लिखिए, ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप इसका फास्ट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार करना है तलपट की दो विशेषता सीमाएं लिखिए, तलपट से संबंधित जरूर क्वेश्चन आएगा, अच्छे से आपको तैयार करना है, 4-5 क्वेश्चन है तलपट संबंधित, तैयार कर लीजिएगा, और अशुद्धि से भी संबंधित। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं, आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है किन अशुद्धियों का तलपट पर प्रभाव पड़ता है, ये आपका दिया हुआ। ओके, छोटे छोटे हैं, पढ़ेंगे एक बार भी आपको तो आपको तैयार हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे दोस्तों आपका 21 अध्याय 7 खास प्रावधान और संचय। ओके, इससे भी देख लेते हैं, तो इसमें आपको तैयार करना है मूल्यह्रास से क्या आशा है, फिर इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है मूल्यह्रास लगाने की किन्हीं 4 पद्धतियों के नाम लिखिए, तो ये आप 4 पद्धति दी हुई है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है मूल्यह्रास की घटती किस्त पद्धति के 2 नाम लिखिए, तो ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं, ओके, तो आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है संचय कोष किसे कहते हैं, ये आपका दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट अध्याय, तो नेक्स्ट दोस्तों आपका अध्याय आ जाता है 9 या अध्याय 9 वित्तीय विवरण फर्स्ट। ओके, तो इससे क्या है आपका, इससे आपका क्वेश्चन नहीं आना है। ओके, तो हम देख लेते हैं वित्तीय विवरण सेकंड से आपको क्वेश्चन आना है, तो वित्तीय विवरण सेकंड वाला चैप्टर देख लेते हैं। ओके, तो ये आपका वित्तीय विवरण सेकंड वाला चैप्टर, इससे देख लेते हैं। तो इससे दोस्तों आपको तैयार करना है समायोजन किसे कहते हैं। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है क्या है डूबत ऋण क्या है। ओके, नेक्स्ट तैयार करना है मूल्यह्रास किसे कहते हैं, एक एक दो दो लाइन के हैं, इंपॉर्टेंट है, सभी तैयार अच्छे से कर लेना है, आदत्त व्यय को परिभाषित कीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है, क्या है दो दो नंबर में आपको क्या है कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए बताने पड़ता है, लॉन्ग में आपको फिर कुछ आपको सिलेक्टेड फिक्स बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार करना है अंतिम रहतमई रहतिया किसे कहते हैं, आपका दिया हुआ है। ओके, फास्ट आंसर ले लीजिए। ओके दोस्तों, तो ये थे आपके अति महत्वपूर्ण 2 अंक के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है 3 अंक के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेंगे, फिर इसके बाद 4 अंक के वस्तुनिष्ठ कहेंगे, तो आपको मैं वस्तुनिष्ठ भी बता दूंगा। ओके, तो आई हो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आए बिल्कुल लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके क्या है बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं आपकी 11वीं की आपकी वार्षिक परीक्षा में आपको सहायता कर ही रहा हूँ। आगे भी दोस्तों आपके 12वीं कक्षा में पहुंचेंगे आप, तो उसमें भी आपको पूरे साल भर आपकी है अच्छे से तैयारी करा सकूँ। ओके, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ में आपको अभी आपको अपलोड कर दे रहा हूँ, तो आप क्या है पीडीएफ से मैंने जो क्वेश्चन टेक बताए तो आप पीडीएफ से देखते रहिएगा, और क्या है पीडीएफ से देखते देखते वीडियो को देखते ही देखते आप क्या है तो उसमें अपनी पीडीएफ से आप क्या है क्वेश्चन आंसर याद कर लीजिएगा, साथ ही प्ले स्टोर से हम लोग सारी क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।